एक पौधे में 4 क्विंटल और आ जाता है, तो कोई ज्यादा मतलब उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड का कोई खाद का जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 6 बीघे का मतलब आमला, 6 बीघे के अंदर 150-150 पौधे हैं, एक पौधा इस साल भी 5 लाख में जगह में गया 6 बीघे का। अमरुद 15 बीघे का अमरुद लगा रखे हैं। अमरुद के अंदर भी अगर आप बरसात की फसल लोगे, सर्दी वाली फसल लोगे, तो कोई कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी उसके अंदर आपको फल मक्खी लगेगी नहीं। बरसात का अमरुद आप खाओगे, जैसे आप ये कहूँगा कभी बरसात का अमरुद मत खाना, सीजनेबल अमरुद ही खाना, क्योंकि क्या है कि वो लोग जो बाहर के अमरुद आते हैं उसमें बहुत कीटनाशक छिड़कते हैं फल मक्खी के लिए, तो अमरुद में दवा, अमरुद आने के बाद दवा छिड़ेगी वो तो एब्जॉर्ब करेगा या करेगा। अंदर भी आप सबसे बेस्ट अमरूद है अभी बर्फ खाना सवाई माधोपुर का, बहुत अच्छी वैरायटी है, 400-500 ग्राम का होता है, टेस्टी होता है। हमारे तो क्या कंकाले कोई भी टोंगा फार्म का बोल रखे ठेकेदार बेचता है टोंगा फार्म के अमरूद, वो लोगों में भीड़ लगे ले जाते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दवाई नहीं होती, मतलब जैविक तो मतलब मैं नहीं करता लेकिन मतलब जैविक करने की कोशिश करता हूँ कि कीटनाशक का प्रयोग ही नहीं हो। और धीरे धीरे मान लो अब एक बार मैंने जैविक किया था लेकिन मार्केट के क्या कोई सरबती गेहूँ किया था कोई ने लिया नहीं 3000 क्विंटल, तो उसके बाद घर घर में मिलने जुलने वालों को दिया। अब तो मार्केट हो गया, अब तो काफी लोग मतलब आपस में मिलने जुलने लग गए, अब क्या मार्केट में ये मान लो डॉक्टर साहब करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि खाने का इनका थोड़ा जीविका रकबा बढ़ाएंगे। बागवानी के अंदर भी क्या है कि आंवला चीकू लगा रखे हैं, चीकू को पकाने के लिए क्या निबंध तो क्या उसको येलो पेपर आता है, येलो ब्राउन पेपर आता है, ब्राउन पेपर में गत्ते में रखो पेपर में 4 दिनों पक जाएगा चीकू। जैसे आपके आम आता है बाहर से तो रिपनर आता है, एक रिपनर को पानी में भिगो के उसमें रख देते हैं उसे पकता है आम, आप कुछ जान रहे हो पर आप लोग आम खा रहे हो कोई मतलब आम है रिपनर से पका हो, पहले तो कार्बाइड से आता था, कार्बाइड से बंद हो गया अब रिपनर आता है 2 रुपये का पाउच आता है एक, उसको पानी में डुबोते हैं 2 पाउच रख देते हैं गत्ते में चीकू में या वो आम में, वहीं से हो गया आता है अपन आम वही खाते हैं। भाई चीकू पेट में नहीं पकता, चीकू हमेशा पकाना पड़ेगा मतलब केमिकल से, तो केमिकल की वजह आप उसको गत्ते में फेंक करो करो। अमरूद की बहुत अच्छी बागवानी है, अमरूद की तरफ आप जाओ बागवानी के अंदर भी, आप 18x18 में बागवानी लगाओ 5 साल बाद आपको वो 70-80 हज़ार बीघे देने लग जाएगा। बर्फ़ाना वेराइटी ठीक सर।